अब हम लोग सम नंबर 14 सॉल्व करेंगे। सम नंबर 14 है हमारा, ए फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2009 ए सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹36,000 एंड स्पेंट ₹4,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। यानी कि ₹36,000 की तो मशीनरी परचेज की है और ₹4,000 उसके इंस्टॉलेशन के खर्च हुए हैं, तो मशीनरी की वैल्यू हो गई ₹40,000। ऑन फर्स्ट अक्टूबर इन द सेम ईयर अनदर मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वाज परचेज। उसी साल यानी कि 2009 में ही 1 अक्टूबर को एक नई मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹20,000। ऑन 1 अक्टूबर 2011 द मशीन बोट ऑन 1 अप्रैल 2009 वाज सोल्ड फॉर ₹12,000। एक अक्टूबर 2011 को ₹12,000 में मशीनरी सेल कर दी। कौन सी मशीनरी सेल की है? जो 1 अप्रैल 2009 को खरीदी थी, 12,000 में सेल कर दी। ऑन द सेम डेट ए फ्रेश मशीन वाज परचेज फॉर ₹64,000 और 1 अक्टूबर 2011 को ही एक और मशीनरी परचेज कर ली है ₹64,000 की। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च एट द रेट 10% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम और मेथड है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसे बोलते हैं। आगे है शो मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाना है 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2013। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2013 तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलिए अब हम सम सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट रेडी है सम का। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2009 को मशीनरी परचेज हुई है, तो 2009 1 अप्रैल कितने की परचेज हुई है? टू बैंक अकाउंट ₹36,000 की मशीनरी परचेज हुई है। उसी दिन टू बैंक अकाउंट ₹4,000 उसके इंस्टॉलेशन के लगे हैं। आगे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि उसी साल 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर अनदर मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वाज परचेज। यानी कि 2009 में ही एक और मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹20,000 और 1 अक्टूबर को परचेज हुई है। तो उसकी एंट्री दिखा देंगे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट के नाम से कितने की है? ₹20,000 की। यहाँ पर इसके ऊपर हम लिख देते हैं ₹4,000 के ऊपर इंस्टॉलेशन के चार्जेज हैं। तो अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं इनके ऊपर। 2009 में परचेज हुई है तो फाइनेंशियल ईयर होता है 2010 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये दो मशीनरी हो गई, एक तो ये मशीनरी हो गई, एक ये मशीनरी हो गई। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 36,000 और 40,000 कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 10% ऑन 40,000। और सेकंड मशीनरी पे 10% ऑन 20,000 फॉर 6 मंथ्स। इसका 10% 40,000 का हो गया ₹4,000 और 20,000 का 10% करेंगे हो जाता है 2,000 और 2,000 का 6 मंथ्स का यानी हाफ कर देंगे हो गया 1,000। तो ये टोटल हो गया ₹5,000। अब बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीनरी का 40,000 माइनस 4,000 कर देंगे, ये हो गया 36,000। सेकंड मशीनरी का 20,000 माइनस 1,000 ये हो गया 19,000। इन दोनों का टोटल कर देते हैं, ये हो जाता है ₹55,000। वो बैलेंस हो गया हमारा इक्वल 60,000। यहाँ पर भी 60,000 लिख देते हैं, बैलेंस इक्वल कर देते हैं। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे 2010 फर्स्ट अप्रैल, 1 अप्रैल को बैलेंस नीचे आ जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीनरी का हो गया ₹36,000,
सेकंड मशीनरी का हो गया 19,000 रुपीज़, इन दोनों का टोटल लिख देते हैं 55,000 रुपीज़। अब 2011 31 मार्च, इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि जो मशीनरी है वो सेल की जा रही है 1 अक्टूबर 2011 को सेल की जा रही है, अभी तो 31 मार्च ही आया हमारा, 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले इन दोनों पे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीनरी पे 36,000 का 10% हो जाएगा 3,600 रुपीज़, और दूसरी मशीनरी पे 19,000 का 10% हो जाएगा 1,900, इन दोनों का टोटल कर देंगे 5,500 रुपीज़ हो गया। अब बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च को, तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस 36,000 माइनस 3,600, और सेकंड मशीनरी का 19,000 माइनस 1,900। 36,000 में से ये लेस करेंगे 3,600, तो ये आ जाता है 32,400, और 19,000 में से 1,900 लेस करेंगे तो आ जाएगा 17,100। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, ये हो जाता है 49,500 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 55,000, ये हो गया बैलेंस इक्वल, इस साइड भी बैलेंस इक्वल कर देते हैं, 55,000 का बैलेंस इक्वल हो जाता है। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे 2011 के बैलेंस को, 2011 1 अप्रैल, टू बैलेंस बोर्ड डाउन, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस आएगा कितना है 32,400 रुपीज़, और सेकंड मशीनरी का बैलेंस है 17,100 रुपीज़, इन दोनों का टोटल होता है 49,500। अब देखते हैं, इसने बोला है 1 अक्टूबर को मशीनरी सेल कर दी है जो 1 अप्रैल 2009 में खरीदी थी, और सेल कितने की है 12,000 रुपये की, तो इसकी एंट्री दिखाएंगे पहले 2011 1 अक्टूबर, बाय बैंक अकाउंट कितने में सेल हुई है 12,000 रुपीज़ में सेल हुई है, तो 12,000 यहाँ पे लिख दिया। तो अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे अक्टूबर तक का 6 महीनों का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देते हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से 32,400 पे पहले तो लगाएंगे 10%, 32,400 का पहले 10% निकालेंगे, ये हो जाता है 3,240, और इसका 6 मंथ का निकालना अप्रैल से अक्टूबर तक का, तो इसका हाफ कर देंगे, ये हो जाता है 1,620 रुपीज़। अब देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, साफ सा दिखाई दे रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि 32,400 की तो मशीनरी थी 12,000 में सेल की गई है, तो दिखाई दे रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अब हम सीधा लॉस की एंट्री दिखाएंगे, बाय P&L अकाउंट साइड में लिख देते हैं लॉस। अब देख लेते कितने का लॉस हो रहा है, 32,400 माइनस 12,000 माइनस 1,620, ये हो जाता है 18,780 रुपीज़ का लॉस आ गया हमारा। आगे जो बाकी मशीनरी है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इसी दिन ये बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2011 को ही एक और नई मशीनरी परचेज की है 64,000 रुपये की, 64,000 रुपीज़ की, इसकी एंट्री दिखा देते हैं हम इस साइड, 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट के नाम से 64,000 रुपीज़ की मशीनरी है, इसको हम थर्ड मशीनरी का नाम दे देते हैं कि यह थर्ड मशीनरी है। अब इन बाकी इन दो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, जो ये वाली है फर्स्ट, ये तो सेल हो चुकी है, अब ये रह गई और ये रह गई सेकंड और थर्ड, इन सेकंड और थर्ड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2012 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा 17,100 के ऊपर 10% लगा देंगे, कितना हो जाता है 1,710 रुपये, और जो थर्ड मशीनरी है उसके ऊपर 64,000 का पहले 10% करेंगे, 64,000 का 10% कर देते हैं 6,400 रुपये आ जाता है, 6,400 का हाफ कर देंगे, इस बार अक्टूबर से मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कितना हो जाएगा 6,400 का आधा 3,200 रुपये, 3,200 रुपये इसके और डेप्रिसिएशन हो जाता है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं 4,910 रुपये,
4,910 रुपये इनका टोटल हो जाता है डेप्रिसिएशन का। अब बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को फर्स्ट मशीन जो सेकंड मशीन है उस पर देखते हैं, 17,100 माइनस 1710 और थर्ड मशीनरी है जो उस पर 64,000 माइनस 3200, ये लेस करके देख लेते हैं कितना आता है एक बार, 17,100 माइनस 1710 ये होता है 15,390 रुपये, और 64,000 में से 3200 माइनस कर देते हैं ये हो जाता है 60,800। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, ये आएगा 15,390 को प्लस कर देंगे 76,190 रुपीज़, इन दोनों का टोटल हो जाता है। अब ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल देख लेते हैं, बैलेंस इक्वल हो रहा है नहीं, 12,000 प्लस 1,620 प्लस 18,780 प्लस 4,910 प्लस 76,190 इनका टोटल हो जाता है 11,350। इस सेट का टोटल देख लेते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, 4,950 प्लस 64,000 ये हमारा हो गया बैलेंस इक्वल। अब इसने बोला है कि कब तक का डेप्रिसिएशन लगाना है, 2013 तक का डेप्रिसिएशन लगाना है यहाँ पर बोला जा रहा है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन और लगेगा, एक साल का डेप्रिसिएशन और लगा देते हैं। ये 2012 का बैलेंस अब यहाँ पे ले आएंगे, 2012 एक अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन फर्स्ट मशीनरी का जो सेकंड मशीन है उसका बैलेंस होता है 15,390 रुपये, और जो थर्ड मशीन है उसका बैलेंस होता है 60,800 रुपये, इन दोनों का टोटल कितना होता है 76,190। अब इन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, अब इन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ये आएगा 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो सेकंड मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 15,390 के ऊपर 10% लगेगा, हो जाएगा 1,539, और थर्ड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 60,800 के ऊपर 10% लगेगा 6,080 हो जाएगा, ये इन दोनों का टोटल हो जाता है 7,619। अब बैलेंस निकाल देते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च, 15,390 माइनस 1,539 और थर्ड मशीनरी पे 60,800 माइनस 6,080, इन दोनों का टोटल माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसमें 15,390 में से 15,039 माइनस करेंगे आएगा 13,851 रुपये, और 60,800 में से 6,080 माइनस करेंगे तो आएगा 54,720, इन दोनों का टोटल हो जाता है 68,571 रुपये, 68,571 रुपये टोटल हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा बैलेंस इक्वल।